Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Welcome to our online class. Subject English, Grade 10, Air Foundation School System, Tipu Campus, Rawalpindi. Please open your English book, Unit 4, First Aid. First of all, I would like to introduce this unit briefly. It tells students the importance of first aid. It contains valuable instructions how to handle a victim of accident. Then there is a detail of things and medicines that a first aid kit should have. इस मजमून में तबलाग फर्स्ट एड की अहमियत का बताया गया है. इसमें वो कीमती हदायात शामिल हैं जो हादसे में मदद के लिए दरकार होती हैं. फिर इसमें नशिया और अद्वियात की तफसील है जो फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए. प्लीज सी एट पेज 38 टेक्स्ट ऑफ एसे स्टार्ट्स. नाउ आई रीड टेक्स्ट ऑफ एसे इन इंग्लिश देन इस ट्रांसलेशन इन उर्दू. वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ. समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स एंड वी मे गेट हर्ट. व्हेन वी आर इंजर्ड सडनली बिकम अनवेल वी नीड समवन टू हेल्प अस. समवन हु नोज व्हाट टू डू. इट इज़ द टेम्प्रेरी इमीडिएट हेल्प. This timely assistance comprising simple medical techniques is most critical to the victim and is often life-saving. Any layperson can be trained to use it, to use first aid. This first aid can be carried out using first aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमें मदद की ज़रूरत होती है. कभी कभार हम हादसे का शिकार होकर ज़ख्मी हो सकते हैं. जब हम ज़ख्मी हो जाएं या अचानक तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें ऐसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो ये करना जानता हो. यह अर्जी और फौरी मदद होती है. ये बर वक्त मदद जो सादा तबी टेक्निक्स पर मुश्तमिल है होती है. इसके मुतासा फ़र्द के लिए बहुत अहमियत होती है और ये अक्सर ज़िंदगी बचाती है. किसी भी अनपढ़ फ़र्द को फर्स्ट एड देने की तरबियत दी जा सकती है. फ़र्स्ट एड कम से कम सामान से दिया जा सकता है. फ़र्स्ट एड के इल्म का अहाता ज़ख्मियों की देखभाल से बेहोश वर्द के इलाज तक होता है. नाउ द सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट्स. हैंडिंग सेकंड वर्ड कट्स एंड स्क्रेप्स. Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. छोटे हादसा तो घर या सड़क पर निपटना बहरान से निपटने का एहसास पैदा करता है. इससे आम गैर मुतवक्का इमरजेंसीज को ज़्यादा एतमान से निपटाने के लिए तैयार हो सकते हैं. आमतौर पर मामूली जख्मों और रगड़ों के लिए इमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती है. फिर भी इन्फेक्शन या दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए एहतियात की ज़रूरत होती है. नीचे उसने हदायत दी है कि इस पर कैसे हम इसमें इन बहरान से बचने के लिए कैसे इन पर काबू पा सकते हैं. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है. नंबर वन इज़ स्टॉप द ब्लीडिंग यानी खून का बंद करना. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. If they don't, apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. आमतौर पर छोटे कट्स और रगड़ों का खून खुद ब खुद बंद हो जाता है. अगर ऐसा ना हो तो साफ़ कपड़े या बैंडेज से हल्का दबाव डालें. दबाव को 20 या 30 सेकंड तक जारी रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख्म को ऊंचा करें. ये चेक ना करें कि आया खून बंद हो गया क्योंकि इससे जमे हुए खून के को नुकसान ज़्यादा हो सकता है या इससे फिर खून जारी हो सकता है. अगर खून मुसलसल दबाव के बाद बेहतर है तो तबीबी इमदाद हासिल करें. क्लीन द वाउंड ज़ख्म की सफाई. पैराग्राफ नंबर टू. इंस्ट्रक्शन नंबर टू. क्लीन आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड वॉश क्लोथ. बट सोप कैन इरीटेट द वाउंड सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड. इफ डर्ट और डेब्रिज रिमेन्स इन द वाटर आफ्टर वॉशिंग
If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. If debris still remains, जख्म के इर्द गिर्द जगह को साबुन और कपड़े साफ करें, लेकिन साबुन से जख्म में जलन पैदा हो सकती है, इसे जख्म से दूर रखें। अगर धोने के बाद गंद या मलबा जख्म में रह जाए तो जरे हटाने के लिए अल्कोहल से साफ सुथरा ट्वीज़र इस्तेमाल करें। अगर मलबा अभी भी मौजूद है तो डॉक्टर के बजाय मुकम्मल सफाई इन्फेक्शन और टेटनस के खतरे को कम करती है। पेज नंबर 39 स्टार्ट्स अप्लाइंग एंटीबायोटिक। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड अप्लाई थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सर्फेस मॉइस्ट। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स कैन कॉज ए माइल्ड रैश इन सम पीपल। इफ़ ए रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। जख्म को साफ करने के बाद एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम की पत्ती तेल लगाएं ताकि जख्म की सतह पर नमी रहे पैदा कर सकती हैं। कुछ मरहम में कुछ ऐसे अज़ा होते हैं जो कुछ लोगों में मामूली सुखदाने पैदा हैं करते हैं। अगर सुखदाने ज़ाहिर हैं तो मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है कवर द वाउंड। जख्म को ढांपे। बैंडेजेस कैन हेल्प द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड एनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली विल स्पीड वाउंड हीलिंग। अपनी जख्म को साफ और पट्टी जख्म को साफ और जरासीम से महफूज रखती है। जब जख्म इतना ठीक हो जाए कि ख़राब होने के अमकान रहे तो जख्म को हवा में खुला रखने से ये तेज़ी से ठीक होगा। इंस्ट्रक्शन नंबर फाइव चेंज द ड्रेसिंग। पट्टी को बदलना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज इन मोस्ट बैंडेजेस। स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और गॉज होल्ड इन पॉज रोल और लूजली अप्लाई इलास्टिक बैंडेज। दीज सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज। पट्टी को कम अज़ कम हर रोज़ या जब ये गीली या गंदी हो जाए तो बदल दें। इस्तेमाल होता है इससे एलर्जी तो एडहेसिव फ्री पट्टी या एडहेसिव से पाक मलमल को पेपर टेप से लगाएं। ये चीज़ें आमतौर पर फार्मेसी में अवेलेबल होती हैं। नंबर 6 एंड द लास्ट वन इंस्ट्रक्शन। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। सी योर डॉक्टर इफ द वाउंड इज नॉट हीलिंग और यू नोटिस एनी रेडनेस इंक्रीजिंग पेन ड्रेनेज वार्मथ और स्वेलिंग। अगर जख्म ठीक नहीं हो रहा या तुम्हें हमें सुर्खी पीप गर्मी या सूजन आ जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फर्स्ट एड किट फैक्ट्री होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड किट किट बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। हर दफ्तर फैक्ट्री घर स्कूल में काबिल रसाई फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। इसमें मुद्दा दरअसल चीज़ें होनी चाहिए। पेज 39 स्टार्ट बैंडेड्स प्लास्टर्स। नंबर जो फर्स्ट एड बुक में सब इसमें सब फर्स्ट एड किट में सबसे पहले तो फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए। नंबर 2 बैंडेड्स प्लास्टर्स। बैंडेड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइज फॉर फिंगर्स लेग्स एंड एनी वेयर एल्स यू माइट गेट लिटल कट्स। मेक श्योर द बैंड एड इज बिग एनफ टू कवर द वाउंड। इफ़ नॉट यू शुड यूज ए ड्रेसिंग इंस्टेड। छोटे जख्मों पट्टी यकीनी नहीं बनाएं कि बैंड इतना बड़ा हो कि पूरे जख्म को ढांप दे। अगर ऐसा ना हो तो फिर पट्टी इस्तेमाल करें। नंबर 3 है इलास्टिक बैंडेजेस। यानी फर्स्ट एड बुक में क्या क्या होना चाहिए, इसमें तो पहले तो फर्स्ट एड बुक कहना है, सेकेंड बैंडेड प्लास्टर, थर्ड वन इज इलास्टिक बैंडेजेस। द इलास्टिक बैंडेजिंग बैंड जो होते हैं खिंचाव वाले जोड़ को बांधने या टूटे हुए बाजू को लटकाने के लिए अच्छा होता है। नंबर 4 इज गॉज एंड एडहेसिव टेप। गॉज पैड्स टूल्स आर क्लॉथ पैड्स डेट आर प्लेस डायरेक्टली ऑन ए वाउंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स। यू विल नीड एडहेसिव कीप द गॉज इन प्लेस इन एन एमरजेंसी। ए क्लीन क्लॉथ हैंड टॉवल क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। जो पैड होते हैं ज़्यादा कपड़े के पैड्स होते हैं जो कट रगड़ों को महफूज करने और इनका खून रोकने के बराह रास्त इस्तेमाल होते हैं। गॉस पैड होते हैं इसको लगाने के लिए हमें एडहेसिव टेप की जरूरत होगी। एमरजेंसी में साफ कपड़ा छोटा तौलिया साफ टी शर्ट जख्मों को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 5 है
एंटीसेप्टिक वाइप्स, एल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन कूल. नंबर सिक्स सेफ्टी पिंस एंड ट्वीज़र्स. नंबर सेवन सीजर, ए पेयर ऑफ सीजर इज नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज. नाउ पैराग्राफ नंबर 41 स्टार्ट्स. लेटेक्स ग्लव्स. नंबर 8 लेटेक्स ग्लव्स. लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. हमेशा लेटेक्स दस्ताने अच्छा ख्याल है, खासतौर अगर हम किसी आदमी की माया को छू रहे हैं. नेक्स्ट वन इज 9-1 इज इन लोशन. लोशन इज यूज फॉर स्मूदिंग सनबर्न स्टिंग्स. लोशन जो है सूरज की दलन और काटने. नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू चेक द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए विक्टिम. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो मुतासर फर्द के दर्जा हरारत देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं. द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, एनाल्जेसिक टेबलेट्स सच एज एस्पिरिन और पैरासिटामोल. नाउ द थीम ऑफ द एसे स्टार्ट्स. एज आई टोल्ड यू, द फर्स्ट एड मीन्स रिस्पॉन्डिंग टू एन एमरजेंसी सिचुएशन. एक्सीडेंट्स हैपन ऑलवेज अनएक्सपेक्टेडली, बट ए लाइफ कैन बी सेव्ड बाय हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट टू डू इन एमरजेंसी एंड नोइंग प्रॉपर फर्स्ट एड प्रोसीजर. बेसिक ट्रेनिंग फर्स्ट एड किट्स should be taught in schools, in workplaces, and engineering by learned by all, as it is mandatory to our modern and stressful life. See, इसकी यही है कि फर्स्ट एड हर बंदे को सीखनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आजकल के दिनों में कि मतलब तो कोई इस हर बंदे को चाहिए किसको सीखे, ताकि एमरजेंसी में किसी की हाल.